ओके सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। तो जैसे कि तुम लोगों को पता है, लॉकडाउन चल रहा है अभी, और अभी फ़िलहाल कुछ करने को है नहीं, और इस वजह से मेरी यूट्यूब पे वीडियो वगैरह आ नहीं रही। तो बट मैंने सोचा यार, वीडियोस वगैरह तो डालनी होगी, तो ऐसा तो नहीं है कि अब सब बंद ही कर दूंगा, लॉकडाउन चले कुछ डाल भी ना, तो कुछ ना कुछ तो डालना ही पड़ेगा। तो ये लॉकडाउन से पहले से ही मैं थोड़े बहुत वर्कआउट वगैरह करता हूँ, तो आज मैं तुम्हें ऐसे 5 वर्कआउट बताऊंगा जो तुम घर बैठे बैठे कर सकते हो, और ये वर्कआउट करने से तुम्हारा वेट लॉस भी होगा, तो ये तुम्हारे फ़ायदेमंद के लिए। तो अभी सुबह के शायद 7 बज रहे हैं, 7 या 7:30 बज रहे हैं, तो अभी सूरज की रोशनी भी आ रही है, तो सुबह के टाइम वर्कआउट वगैरह करने में मज़ा भी आता है, और सूरज की सुबह की रोशनी भी बहुत हेल्दी होती है अपने स्किन के लिए। तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी फ़िलहाल चलते हैं, वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि वर्कआउट करने से पहले हमेशा स्ट्रेचिंग वगैरह कर लो, क्योंकि स्ट्रेचिंग से क्या है कि तुम्हारी बॉडी खींचती है, तो जब तुम वर्कआउट वगैरह करते हो तो तुम्हें आगे चल के इतना पेन नहीं होता वर्कआउट करने के बाद, तो इसलिए थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह कर लिया करो। और मैंने बहुत लोगों को देखा है, सीधा जाते हो वर्कआउट वगैरह करना चालू करते हैं, स्ट्रेचिंग नहीं करते, तो यार इससे क्या है कि मसल हार्म होता है। तो यार थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लिया करो, फिर वर्कआउट चालू करो। तो हम पहले थोड़ी करेंगे स्ट्रेचिंग।
फाइनली हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो भी मैंने बताया, अगर ये तुम पूरे दिन में 45 मिनट्स भी करो ना, तो तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदा है। और ज़्यादातर अगर सुबह के टाइम करो तो बहुत फ़ायदेमंद है। एक तो स्किन के लिए भी तुम्हारे सूरज की रोशनी, एक तो तुम्हारे स्किन के लिए भी बहुत हेल्दी होती है। और एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो सुबह बहुत अच्छा होता है। और एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि देखो, अगर तुम ये कर रहे हो ना, और अगर तुम अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं और ना कोई मतलब है इसकी ये करने का। तो ये एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो हेल्दी चीज़ें खाया करो। तो ये एक अच्छा टाइम है जहाँ तुम अपना वेट लूज़ कर सकते हो, और यहाँ बाहर की सारी चीज़ें अवॉइड करके घर का खाना खा सकते हो। और ये 21 दिन और अब शायद और बढ़ा चुके हैं कि 19 दिन। तो ये ऐसा टाइम है जहाँ तुम बिल्कुल भी अनहेल्दी चीज़ें ना खा कर हेल्दी चीज़ें खा सकते हो, जिससे तुम अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हो और तुम्हारी बॉडी को भी बहुत अच्छी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें प्रोवाइड होंगी। सो यही थी एक्सरसाइज। और तुम जो भी एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज करो बट हेल्दी चीज़ें खाया करो, अनहेल्दी चीज़ें अवॉइड करो। और होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। और अगर ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे तुम मेरी वीडियोज़ देख पाओ रेगुलर। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेक्सी, बाय बाय।